अगर आपकी गर्दन का भी रंग काला पड़ गया है तो आप भी इन घरेलू नुस्खों को अपना कर अपनी काली गर्दन को गोरा बना सकते हैं। गर्दन का रंग चेहरे के मुकाबले ज़्यादा काला पड़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं। यह अनुवांशिक भी हो सकता है या यह एक सामान्य लक्षण भी हो सकता है जो कि ज़्यादा धूप में रहने से भी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही खास ब्यूटी केयर टिप्स। तो आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चेहरे को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अक्सर लोग कई तरह के जतन करते हैं, जैसे ब्यूटी कॉस्मेटिक्स, मेकअप, DIY, फेस मास्क आदि ट्राई करते रहते हैं। इससे उनका चेहरा तो सुंदर बन जाता है, लेकिन अक्सर ऐसे में लोग अपनी गर्दन को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे कि गर्दन का रंग बहुत ज़्यादा काला पड़ जाता है, गर्दन पर बहुत ही ज़्यादा टैनिंग हो जाती है और जो देखने पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है या कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गंदा या अजीब सा लगता है। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ ऐसे ही कुछ ब्यूटी टिप्स जो कि आपकी गर्दन को आपके चेहरे की तरह सुंदर बना देगी। तो आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं। आपकी गर्दन पर जमी हुई काली मैल की परत को दूर करने के लिए कच्चा पपीता बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। कच्चे पपीते में ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज होती है जो इस मैल को धीरे धीरे दूर करने का काम करती है। इसके लिए आपको करना है, कच्चे पपीते का अच्छे से पेस्ट बनाना है। अब इस पेस्ट में 1 से 2 चम्मच गुलाब जल मिलाना है। इसके साथ ही आपको 1 से 2 चम्मच दही मिलाना है। इसका अच्छे से पेस्ट बनाकर इस पेस्ट को यदि आप अपनी गर्दन पर लगाएंगे तो इससे जो काला मैल है वो हट जाएगा, वो साफ हो जाएगा। इसके साथ ही इस पेस्ट को आप कोहनियों पर भी लगा सकते हैं। यदि आपकी कोहनियाँ बहुत ज़्यादा काली है, आपके घुटने बहुत ज़्यादा काले हैं तो ऐसी जगह पर भी आप इस पेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्दन पर जमी मैल की परत को हटाने के लिए बेकिंग सोडा भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके लिए आप 1 चम्मच बेकिंग सोडे में कम से कम आधी कटोरी पानी डालें। पानी इस तरह से डालें कि ये एक सेमी लिक्विड बन जाए, एक तरह का घोल बन जाए। अब इस घोल को अपनी गर्दन पर 10 से 15 मिनट तक लगाकर सूखने दें। अब इसे ठंडे पानी से आप इसे साफ कर लें। ऐसा करने से गर्दन पर जो भी मैल जमा है वो साफ हो जाएगी। नींबू और शहद भी त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, इस बात को तो आप सभी जानते हैं। गर्दन पर जमी मैल की परत को दूर करने के लिए आप नींबू और शहद दोनों को अच्छे से मिक्स करके इस पेस्ट को गर्दन पर लगाकर 5 से 10 मिनट तक रख सकते हैं। फिर इसके बाद आप इसे ठंडे पानी से धो लें या गीले कपड़े से पोंछ लें। ऐसा करने से भी गर्दन पर जमा मैल दूर हो जाएगा। इसके साथ ही आप गर्दन पर जमे हुए मैल को दूर करने के लिए सिर्फ नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है। यह एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, यानी कि यह स्किन को साफ करने का काम करता है। गर्दन पर जमी हुई मैल को दूर करने के लिए आप नींबू को भी रगड़ सकते हैं। सप्ताह में कम से कम आप 2 से 3 बार ऐसा करेंगे तो आपकी गर्दन पर जो भी मैल जमा है वो धीरे धीरे करके मिटने लगेगा या निकलने लगेगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी आपके साथ सभी को मिल सके। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें ताकि सेहत और ब्यूटी से जुड़ी ऐसी ही जानकारी आपको हमेशा और सबसे पहले मिल सके। और हाँ, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहे। धन्यवाद।